हेलो दोस्तों, पीके सिंह रघुवंशी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम आ चुके हैं अपने प्रोजेक्ट वेलकम रोड एंड अप्रोच पे एक नई अपडेट के साथ, जो कि हमारा सिटी स्टेशन से लेकर घाट स्टेशन पे जो लाइन जा रही है उस पर एक अपडेट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सामने देख रहे हैं आप हमारा, ये जो हमारा सिटी है से लाइन निकल के गाजीपुर घाट की तरफ जा रही है। ये जो हमारा स्थान है ये राजागंज चौकी के आसपास है। तो यहाँ से हमारा जो स्ट्रक्चर है ये गुजर रहा है। इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये जो टावर देख रहे हैं आप इलेक्ट्रिक का, ये हमारे जो लाइन थी सिटी से घाट जाने वाली उसमें हिंड्रेंस कर रहा था। उसकी वजह से ये जो नए इलेक्ट्रिक पोल जो आप देख रहे हैं इस लाइन को डाइवर्ट करने के लिए लगाए जा रहे हैं। दोनों साइड पहला तरफ वाले का इरेक्शन कम्प्लीट हो गया है और सेकेंड साइड में आपको दिखा देता हूँ, सेकेंड साइड का भी इरेक्शन जो है इसका स्टार्ट कर दिया गया है। और इन दोनों लाइनों से हमारा ये जो हाई टेंशन का वायर है उसको ऊपर कर दिया जाएगा, जिससे हमारे जो ट्रेन जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये रहा दूसरा, दूसरे का देख रहे हैं ये स्ट्रक्चर स्टार्ट हो चुका है, लेकिन अभी बारिश के कारण यहाँ पे काम अभी बंद है। वर्कर यहाँ पे हैं, वर्क कर रहे हैं, सब लोग यहीं पर अपना टेंट वेंट लगा के काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारा स्ट्रक्चर शुरू हो रहा है AP50, जिसका हमारा पाइल कैप और पाइल कैप बीम हो चुकी है। पियर शाफ्ट की फर्स्ट लिफ्ट की शटरिंग लगाई जा रही है। सामने आप देख रहे हैं 51, सेम इसमें भी यही स्ट्रक्चर है हमारा, यही अपडेट है। हमारा जो पाइल कैप बीम हो चुका है और पियर शाफ्ट के रेनफोर्समेंट पूरी कंप्लीट है और इसकी शटरिंग का वर्क स्टार्ट कर दिया जाएगा। सामने आप देख रहे हैं ये जो स्ट्रक्चर है हमारा, ये इसी हाइट का है, ये हमारे 52 AP52 के पास और 53 के बीच में आप देख रहे हैं। यहाँ पर टेलर जो है रेनफोर्समेंट अनलोड कर रहा है, जो इस साइड के वर्क के लिए आया हुआ है, जिसे भी के थ्रू ये अनलोड किया जा रहा है टेलर को। AP53 में देख रहे होंगे आप, ये हमारा जो पियर शाफ्ट है इसकी जो फुल कास्टिंग है वो हो चुकी है और ऊपर जो रेनफोर्समेंट इम्पोज़ देख रहे हैं ये हमारा पियर कैप के साथ कास्ट किया जाएगा। ये देख सकते हैं इसकी ब्लैक बिटवीन पेंटिंग भी साथ साथ की जा रही है। ये जो शटरिंग अरेंजमेंट देख रहे हैं सामने पड़ा हुआ आप, ये हमारा पियर शाफ्ट का स्ट्रक्चर है, जो बहुत ही हैवी स्ट्रक्चर है, जिससे कि शटरिंग जो हमारी कास्टिंग समय कहीं कोई बल्ज नहीं होता है। सामने आप देख रहे हैं ये स्ट्रक्चर हमारा, जो कि पियर शाफ्ट कंप्लीट होने के बाद पियर कैप की जो वर्क है उसके लिए स्टेजिंग की जा रही है। अभी दो दिन बारिश की वजह से काम बंद है। ये जो पाइल ग्रुप देख रहे हैं आप हमारा, यहाँ पे पाइल का केज बनाया जा रहा है। लास्ट में जो अपार्टमेंट है हमारा AA2, उसका जो हमारा लास्ट में आपने वीडियो में देखा होगा ड्रोन में, तो आपने वो बिल्डिंग दिखाई दी होगी A2 के पास, तो वो जो स्ट्रक्चर था हमारा वो बिल्डिंग को डिसमेंटल कर दी गई है और वहाँ पर जो पाइलिंग का वर्क है A2 का वो स्टार्ट हो चुका है। सामने देख रहे हैं हमारा पहला और दूसरा पियर कैप, जो कि इस घाट लाइन का पहला और दूसरा पियर कैप है, वो कास्ट कर दिया गया है। ये देख सकते हैं इसके पेडेस्टल के ऊपर जो V4 हैं पाइप छोड़े हुए हैं, उनकी कास्टिंग के लिए भी अरेंजमेंट किया जा रहा है। बहुत ही जल्द इसके हमारे पेडेस्टल कास्ट किए जाएंगे और इसकी गटर लॉन्चिंग भी साथ साथ की जाएगी। दोस्तों सामने देख रहे हैं यहाँ भी पियर शाफ्ट कम्प्लीट हो चुका है। स्टेजिंग जो हमारे पियर कैप का जो स्ट्रक्चर है उसके लिए स्टेजिंग का मटेरियल यहाँ पर डंप किया जा चुका है। वेदर अभी ठीक नहीं है, जैसे बारिश की वजह से यहाँ पे काम नहीं हो पा रहा है, लेकिन अभी जो हमारा मेन वर्क था नीचे का अंडर सॉइल जो है हमारा सारा वर्क कंप्लीट हो चुका है। पाइल ग्रुप, पाइल कैप बीम और यहाँ तक कि पियर शाफ्ट भी आपने देखा सारे कंप्लीट हो चुके हैं। और ये हम आ गए AP58 पर। यहाँ पे देख रहे होंगे आप धीरे धीरे जो हमारी इनकी पियर शाफ्ट की हाइट है कम होती जा रही है। ये भी हमारे देखिए जो ये घर थे डिसमेंटल एरिया में आ रहे थे हमारे, उसको डिसमेंटल ये लोग खुद अपने आप कर ले रहे हैं। बाकी जो हैवी स्ट्रक्चर था जो मेन A2 आप जहाँ पे देख रहे हैं पाइल रिग हमारी खड़ी है, उस स्ट्रक्चर को डिसमेंटल किया गया JCB और पोकलेन के थ्रू। ये 59 है हमारा। यहाँ पे देख रहे होंगे आप आगे एक स्ट्रक्चर बचा हुआ है 59-60, उसमें जो हमारा पाइल कैप अभी हेड रिमूविंग करना बाकी है, इसकी चिपिंग होगी उसके बाद PCC किया जाएगा। ये भी स्ट्रक्चर देख रहे हैं उससे और अगले वाले से और हाइट इसकी कम हो गई है पियर शाफ्ट की, क्योंकि यहाँ पे जो है हमारा पियर कैप होने के बाद गटर रखा जाएगा। गटर के बाद जो इसकी हाइट है हमारे मिट्टी के जो घाट का एम्बिगमेंट ऑलरेडी हो चुका है वहाँ तक मैच करा दी जाएगा। वो रहा सामने देख रहे हैं वहाँ जो स्लीपर रखा हुआ है, ये हमारी मैट मशीन है जो A2 के पास पाइल को कर रही है पाइल का वर्क। यही हमारा लास्ट स्ट्रक्चर है इस लाइन का, जो कि घर डिसमेंटल न होने के कारण हिंड्रेंस में था। अभी घर सारा डिसमेंटल हो गया है, वर्क भी तेज़ी से चल रहा है,
दो चार दिन के अंदर इसके पाइल ग्रुप सारे कंप्लीट कर लिए जाएंगे। बाकी का जो स्ट्रक्चर का वर्क है यहाँ पे पाइल कैप बीम और इसके पियर शाफ्ट और पियर कैप का वर्क उस लेवल में मैच करा दिया जाएगा, और इसके साथ साथ ही इसकी गडर लॉन्चिंग का भी वर्क स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।